पार्टी ने बोला है कि जो बाबा साहब ने बोला है कि देश के अंदर रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन हुआ है इस देश के अंदर। अभी कुछ महीने पहले मूवमेंट हुई थी, रोहित की मूवमेंट हुई थी, और मेरे इंफॉर्मेशन हिसाब से रोहित का इशू जो इस देश में उठा था यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर कास्ट है और कास्ट अगर चल रहा है सबको पता है, बट रोहित के आंदोलन में पहली बार कास्ट के मुद्दे को यूनिवर्सिटीज के अंदर लाया गया। उस मूवमेंट को काउंटर करने के लिए राइट विंग ने एक एंटी नेशनल मूवमेंट खड़ी की और रोहित के जो कास्ट के मुद्दे को था उसको डाइवर्ट किया है। तो उसके अंदर लेफ्ट के कुछ लोग भी इन्वॉल्व थे जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर कास्ट के इशू को ऊपर उठा के इस देश के अंदर कास्ट को डिस्ट्रॉय करें, खत्म करें। लेफ्ट के लोग नहीं चाहते क्योंकि जो लेफ्ट पूर्वों की बात करते हैं वो सबसे बड़े धोखेबाज लोग हैं और धोखेबाज है, तो इन लोगों को हमें पहचानना चाहिए और कहते हैं कि हर आंदोलन में 200 दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए। तो जो लेफ्ट के पुरोगामी प्रोग्रेसिव बात करते हैं धोखेबाज को हमें पहचानना चाहिए। और इस देश के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर, एजुकेशन के अंदर कास्ट जो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसके लिए हमें सभी यूनिवर्सिटीज में जाकर कॉन्टैक्ट करके एक देश में कास्ट के बेस के ऊपर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इस तक खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद, जिंदाबाद।